बीती 20 नवंबर को स्थानीय भगत सिंह रोड पर हुई मोबाइल शॉप में 8 लाख की चोरी के बाद दुकानदार पुलिस प्रशासन से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अभी तक किसी भी चोर का पता नहीं लगाया है। दुकानदारों का आरोप है कि उनके 11 मोबाइल चालू हो गए हैं, जिसका पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पा रही है कि किस लोकेशन में स्टार्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज साइबर का जमाना है और ऐसे में पुलिस प्रशासन इतना नाकाम साबित हो रहा है, वो इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। दुकानदारों ने भगत सिंह रोड के सभी दुकानदारों से अपील की है कि वो आने वाली कल 27 तारीख को अपनी दुकानें बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करें। दुकानदारों ने कहा कि यदि पुलिस इस सांकेतिक धरने के बाद अगर उनके मोबाइल बरामद नहीं कर पा रही है और चोरों को नहीं पकड़ पा रही है, तो वो पुलिस के खिलाफ और कड़ा कदम उठाते हुए प्रदर्शन करेंगे। देखिए, काफ़ी टाइम बीत चुका अब तक, है ना, हमारी मोबाइल लाइन की चोरी में कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है जी। जहाँ भी जाते हैं मिलते हैं, हर जगह मिल रहे हैं, बार बार एक ही आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई चल रही है, मन से चल रही है जी। अगर है तो लूज पॉइंट कहाँ पर है? हमें रिकवरी के कारण आखिर तक वेट करके अब कल से हम धरना प्रदर्शन और वो शुरू करेंगे। कल एक सांकेतिक धरना हम 5-4 एसोसिएशनों के साथ दे रहे हैं। कल हमारा शांतिपूर्वक रहेगा, अगर कल तक कोई कार्रवाई नहीं, उसके बाद है ना, चाहे हमें ब्लैक झंडे दिखाने पड़े, चाहे हाईवे रोड जाम करना पड़े, जो भी करना पड़े अब हम करेंगे। विक्की मोबाइल पे जो चोरी हुई है, इसके बारे में पता चला है कि पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने ही बताया कि 11 हैंडसेट एक्टिवेट हो चुके हैं, बट पुलिस प्रशासन जो है ये पता ही नहीं लगा पा रही कि वो IMA नंबर जो एक्टिवेट हुए हैं वो किसी कंपनी के सिम से हुए हैं या फिर वाईफाई से एक्टिवेट हुए हैं। अगर कोई भी सेट वाईफाई से भी अगर एक्टिवेट होता है तो IP एड्रेस से ये ट्रेस किया जा सकता है कि किस तरीके से और किस हैंडसेट से एक्टिवेट हुआ, किस मोबाइल नंबर का वाईफाई यूज किया गया। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो उनके लिए ये चंद सेकंडों का ही काम है, परंतु वो सीरियस ले ही नहीं रहे हैं क्योंकि ऊपर से कोई ऐसा प्रेशर ही नहीं आ रहा है कि इस चोरी की कोई रिकवरी की जाए, बट पुलिस प्रशासन ऐसा चाह ही नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन से दरखास्त लगा ली, उनका इंतजार कर लिया है। अब हम शांतिपूर्वक धरना कल दिनांक 27/11/2019 को भगत सिंह रोड पे जितने भी उपस्थित दुकानदार हैं, चाहे वो मोबाइल से हैं, चाहे वो करियाना एसोसिएशन से है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से है, हम लोग मिलकर शांतिपूर्वक धरना कल के लिए देंगे। अगर कल हमारी कोई भी पुकार नहीं सुनी गई तो उसके बाद हम चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे काले झंडे दिखाने पड़े और चाहे प्रशासन के खिलाफ नारा लगाना पड़े, हम को हर संभव कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी एक भाई के यहाँ चोरी हुई है, वो ऐसा मुद्दा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के यहाँ भी चोरी हो सकती है। आज हम सब लोग उसका साथ देंगे तो सब लोग सेफ रहेंगे।